तो फ्रेंड्स, आए दिन हमें किसी ना किसी वजह से ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ता है। ट्रेन टिकट बुक करने के लिए हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम रेलवे के काउंटर पे जाके ट्रेन टिकट बुक करते हैं, या फिर ट्रेन टिकट बुक करने के लिए हम किसी एजेंट के पास जाते हैं। रेलवे काउंटर पे अगर हम टिकट बुक करते हैं तो या तो वहाँ पे भीड़ बहुत होती है, या फिर रेलवे काउंटर हमारे नियर बाय नहीं अवेलेबल होता है। और अगर हम किसी एजेंट के थ्रू टिकट बुक करते हैं तो हमसे बहुत ज़्यादा चार्जेस लिए जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको अपने मोबाइल से ट्रेन टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। साथ ही आपको बताऊंगा कि अगर आप तत्काल टिकट बुक करना चाहें तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। उस ऐप का नाम है IRCTC रेल कनेक्ट। आप अपने गूगल प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ आप टाइप करेंगे IRCTC। इतना टाइप करने के बाद आप सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे, IRCTC रेल कनेक्ट की ऑफिशियल ऐप आपके सामने आ जाएगी। आपको इसको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इस ऐप को ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कोविड से रिलेटेड कुछ अलर्ट देखने को मिलेंगे। एक बार आप इसे रीड कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद ये ऐप लोडिंग लेनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप इस तरीके के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहीं से आप ट्रेन टिकट को बुक कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ही आपको एक ऑप्शन मिलता है प्लान माई जर्नी, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको एक फ्रॉम का ऑप्शन मिलता है और उसके आगे यहाँ पे टू का ऑप्शन मिलता है। जहाँ से भी आप अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम के ऑप्शन में जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से जिस भी स्टेशन से आप यात्रा शुरू करना चाहें उसे आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए हम दिल्ली से मुंबई के लिए टिकट बुक करना चाहते हैं, तो यहाँ से फ्रॉम के ऑप्शन में हम टाइप करेंगे दिल्ली। इतना टाइप करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन खुल के आ जाते हैं, जैसे कि आप न्यू दिल्ली से यात्रा शुरू करना चाहते हैं या किसी और स्टेशन से। तो चलिए हम यहाँ से न्यू दिल्ली सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें टू के सेक्शन में जाके भी अपना स्टेशन सिलेक्ट कर लेना है। फ्रॉम और टू को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक क्लास का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन यहाँ पे खुल जाते हैं, जैसे कि आप किस कैटेगरी में या किस क्लास में अपनी जर्नी करना चाहते हैं। फर्स्ट एसी में, इकोनॉमी क्लास में, सेकंड एसी में, थर्ड एसी में, चेयर कार में, स्लीपर में, या फिर सेकंड सीटिंग में। और उसके अलावा भी यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे सेकंड सीटिंग में जर्नी करना चाहते हैं तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप भी अगर कोई स्पेसिफिक क्लास में यात्रा करना चाहते हैं, जर्नी करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो ऑप्शन दिया गया है ऑल क्लासेस, इसी पे ही इसको रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक कोटा का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। कोटा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि दिव्यांग, प्रीमियम तत्काल, लोअर बर्थ, यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए आप यहां से कोटा सेलेक्ट कर सकते हैं, या तत्काल कोटे से भी अगर आप टिकट बुक करना चाहें तो यहीं पे आके अपना कोटा आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या लेडीज़ के लिए टिकट बुक करना चाहें तो उस कोटे को भी यहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे जनरल पे ही रहने देते हैं। तत्काल टिकट किस तरीके से बुक की जाती है वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ से हम इसको जनरल पे ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ से आप डिपार्चर डेट सिलेक्ट करेंगे, यानी जिस डेट पे आप यात्रा करेंगे उस डेट को यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से एक डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो भी डेट आपने यहाँ पे सिलेक्ट की होगी, यहाँ पे नीचे कुछ आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि फ्लेक्सिबल बिड डेट, यानी कि आप जिस डेट में जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं उसके पीछे और उसकी अगली, यानी उसके आगे पीछे की जो डेट्स हैं उसमें भी आप टिकट या सीट अवेलेबिलिटी देखना चाहते हैं, तो आप इस फ्लेक्सिबल विद डेट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको टिक कर देंगे। और उसके अलावा भी यहाँ पे कुछ और ऑप्शन देखने को मिलते हैं, दिव्यांग कंसेशन, अगर आप दिव्यांग हैं उसमें कंसेशन लेना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपको वही ट्रेन शो करें जिसमें सीट अवेलेबल हो, तो यहाँ पे एक थर्ड नंबर पे ऑप्शन दिया गया है ट्रेन विद अवेलेबल बर्थ, इस पर आप टिक कर सकते हैं। उसके अलावा लास्ट में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है रेलवे पास कंसेशन, अगर आपका कोई रेलवे पास बना हुआ है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च ट्रेन का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रेन का नाम और ट्रेन नंबर देखने को मिलेगा, साथ ही डिपार्चर का टाइम और अराइवल का टाइम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, साथ ही टोटल जर्नी कितने समय के लिए होगी वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे कि सीट अवेलेबल है या नहीं है। उसके लिए आपको यहाँ पे कैटेगरी के ऑप्शन पे क्लिक करना है,
यानी जो कैटेगरी यहाँ पे दी गई है उसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पे वेटिंग दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे सीट अवेलेबल नहीं है, ये वेटिंग में है। अगर सीट अवेलेबल होगी तो यहाँ पे अवेलेबल लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे सीट किस तरीके से बुक करनी है। मान लीजिए हम इस स्वराज एक्सप्रेस में 1 तारीख को यानी कि 1 जनवरी के लिए सेकंड सीटिंग में टिकट बुक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कैटेगरी में सेकंड सीटिंग ही रहने देंगे। उसके बाद जिस भी डेट को आप ट्रेवल करना चाहते हैं उस डेट पे आप सिंपली क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट शो कर जाएगा, यानी कि आपको अपनी जर्नी के लिए टिकट बुकिंग के लिए कितने पैसे देने होंगे ऑनलाइन पेमेंट करके, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको पैसेंजर डिटेल का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको साइन इन करना है IRCTC का यूज़र आईडी डाल के और पासवर्ड डाल के। अब आप पूछेंगे कि IRCTC यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे क्रिएट किया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो आपको इस वीडियो के एंड में वो वीडियो देखने को मिल जाएगी जिसमें मैंने बताया है कि IRCTC के ऐप के लिए या फिर IRCTC की वेबसाइट के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड यानी कि अकाउंट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से भी IRCTC का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रजिस्टर यूज़र का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इस फॉर्म को आपको फिल कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ईमेल आईडी एंटर करेंगे, एक यूज़र नेम जो भी आप यूज़र नेम रखना चाहें यहाँ पे रख सकते हैं, एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा और साथ ही जो पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे कन्फर्म पासवर्ड में जाके उस पासवर्ड को आप एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम देना चाहें तो दे सकते हैं और लास्ट नेम भी देना चाहें तो दे सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है। ध्यान रखिएगा डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल वही दीजिएगा जो आपके डॉक्यूमेंट्स में दी गई हो, अदरवाइज आपका IRCTC अकाउंट जो है डिसेबल भी किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे नेशनैलिटी में जाके आपको यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट करना है। इंडियन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इसमें से आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है और उसका आंसर भी यहाँ पे आपको दे देना है। जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सिलेक्ट करेंगे उसी का आंसर आपको यहाँ पे सिक्योरिटी आंसर के कॉलम में जाके टाइप करके लिख लेना है। इतना सब करने के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप अगले स्टेप पे चले जाएंगे। वहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे एक एक OTP सेंड करवाना है। उस OTP को वापस इस पेज पे आके आपको एंटर कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना मुश्किल लगता है तो इस वीडियो के एंड में मैंने जो वीडियो दी हुई है उस वीडियो को जाके देख लीजिए और उस तरीके से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद आपको IRCTC का यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, जिससे आप भारत के किसी भी कोने में क्यों ना बैठे हों घर बैठे ही इजीली अपने मोबाइल से ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। आप चाहें तो रेल कनेक्ट ऐप में उसका यूज़ कर सकते हैं या फिर IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वहाँ से भी उस यूज़र आईडी और पासवर्ड का यूज़ करके ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। जब आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाए उसके बाद उस यूज़र नेम को यहाँ पे टाइप कीजिए, पासवर्ड को एंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड देखने को मिलता है, उस कैप्चा कोड को एंटर करके यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे जाके आप पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप पासवर्ड के थ्रू लॉगिन ना करना चाहें तो यहाँ पे आप OTP के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करते ही आपके सामने इस तरीके का मैसेज आ जाएगा, यहाँ पे आपको इसको एक बार रीड करके कंफर्म कर देना है। उसके बाद आप इस तरीके के इंटरफेस पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप अपनी ट्रेन के डिटेल देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप अपना बोर्डिंग स्टेशन अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करके अपना बोर्डिंग स्टेशन चेंज यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको पैसेंजर डिटेल ऐड करनी होगी। पैसेंजर डिटेल ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको ऐड न्यू का ऑप्शन मिलता है, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पैसेंजर का नेम, पैसेंजर की एज, उसका जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। नेशनैलिटी यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हुई आएगी। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलता है बर्थ प्रीफ्रेंस। यहाँ से आप ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करके अपनी बर्थ प्रीफ्रेंस सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको विंडो सीट चाहिए तो यहाँ पे आप विंडो साइड पे क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे नो प्रीफ्रेंस पे भी रहने दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे पैसेंजर डिटेल ऐड कर लेते हैं।
पैसेंजर डिटेल एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड पैसेंजर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पैसेंजर की डिटेल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए एक से ज़्यादा पैसेंजर की डिटेल आप ऐड करना चाहें, यानी मान लीजिए एक से ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक बार फिर से ऐड न्यू के ऑप्शन पे जाके सेकंड पैसेंजर की डिटेल भी ऐड कर लेनी है। इसी तरीके से आपको ऐड न्यू के ऑप्शन पे ही जाके जितने पैसेंजर यहाँ पे ऐड करना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन एड्रेस का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें आप जिस भी डेस्टिनेशन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ भी आप जा रहे हैं, वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना होगा। एड्रेस लेन वन में आप एड्रेस टाइप करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको पिन कोड, सिटी, स्टेट और पोस्ट ऑफिस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ये फिल करना मैंडेटरी है, इसे आप खाली नहीं छोड़ सकते। ये सभी डिटेल जब आप फिल कर लेंगे तो यहाँ पे आपको लास्ट में एक ऑप्शन देखने को मिलता है, पेमेंट मोड। यहाँ से आप अपनी टिकट बुक के लिए पेमेंट मोड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या अदर तरीकों से पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो भीम या UPI के थ्रू भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिव्यू जर्नी डिटेल, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके टिकट की सारी डिटेल यहाँ पे शो कर जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे एंटर करना है और प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आपको यस कर देना है। जैसे ही आप यस करेंगे आपके सामने सिलेक्ट पेमेंट मेथड का ऑप्शन आ जाता है। फर्स्ट नंबर पे आपको मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। इस पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे और काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएंगे। जैसे कि आप पेटीएम के थ्रू यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, मोबीक्विक, रेजर पे, IRCTC, आईपे, फ़ोनपे, इनमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ पे का ऑप्शन मिलता है, इस पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जिस भी पेमेंट मेथड को आप सिलेक्ट करें उसकी डिटेल एंटर कीजिए और पे नाउ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे आपकी ट्रेन टिकट बुक हो जाएगी। उसको आपको प्रिंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली उसको डाउनलोड करके अपने फ़ोन में ही सेव रखिए, या फिर आपके मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आ जाएगा, आप उसे दिखा के भी ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा कि जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनमें से एक के पास ID प्रूफ जरूर होना चाहिए, यानी कि जब भी आप ट्रैवल करें अपने पास एक ID प्रूफ जरूर रखिए। तो चलिए अब बात करते हैं तत्काल टिकट किस तरीके से बुक की जाती है। सेम प्रोसेस है, आपको यहाँ पे प्लान माई जर्नी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके के इंटरफेस पे आ जाएंगे। यहाँ से फ्रॉम सिलेक्ट कर लीजिए, टू सिलेक्ट कर लीजिए, यानी कहाँ से कहाँ तक आप यात्रा करना चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ से आप अपनी क्लास सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको एक कोटा का ऑप्शन मिलता है तत्काल टिकट बुक करने के लिए। यहाँ पे आपको इसे जनरल से हटा के तत्काल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि तत्काल टिकट के लिए नॉन AC और AC के लिए अलग अलग टाइमिंग है। इसकी विंडो 10 और 11 बजे ओपन होती है। तो जब भी आप तत्काल टिकट बुक करना चाहें विंडो ओपन होने से पहले ही आपको अपनी ID को लॉगिन करके रख लेना है। सारी डिटेल आपको यहाँ पे सर्च करके रख लेनी है ताकि जैसे ही विंडो ओपन हो वहाँ पे इमीडिएटली आपकी तत्काल टिकट बुक हो जाए, इससे पहले कि सीट खत्म हो। लेकिन अगर आप जनरल टिकट बुक करना चाहते हैं, जनरल कोटे के तहत टिकट बुक करना चाहते हैं, तो आप कभी भी टिकट बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप का यूज करके ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के थ्रू, और साथ ही आप तत्काल टिकट भी इसी ऐप के थ्रू बुक कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो IRCTC की वेबसाइट पर जाकर भी ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। उसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना दी है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप चाहें तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं कि IRCTC की वेबसाइट के थ्रू आप किस तरीके से ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए, अब मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नई जानकारी के साथ।